हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप। सो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें वी आर गोना डू फेयर वर्ब। वी आर गोना सी इट्स मीनिंग, इट्स कॉन्जुकेशन एंड एक्सप्रेशंस दैट वी यूज विद द फेयर वर्ब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारी फ्रेंच वर्ब होती है एफ ए आई आर, फेयर वर्ब का मतलब होता है टू डू और टू मेक। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप कहते हो आई एम डूइंग, या आप कुछ बना रहे हो या इट इज आई एम मेकिंग सपोज अ केक। सो वैसे ही वही चीज़ अगर हम फ्रेंच में यूज़ करते हैं तो हम यूज़ करते हैं दी वर्ब फेयर। फेयर वर्ब का मतलब होता है टू डू और टू मेक। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेयर वर्ब का सिर्फ मीनिंग टू डू और टू मेक ही नहीं होता है। देर आर वेरियस idioms और यू कुड से एक्सप्रेशंस विच आर यूज विद द फेयर वर्ब। सो फेयर वर्ब के साथ हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस भी होते हैं हमारे साथ। सो एक एक करके सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि फेयर वर्ब जो होती है दैट इज़ एन इररेगुलर वर्ब। ये हमारी इररेगुलर वर्ब होती है। आज हम इसकी कॉन्जुकेशन सीखेंगे इन द प्रेजेंट टेंस। इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज हम इसकी इस कॉन्जुकेशन सीखेंगे। एंड इन फर्दर लेसन्स पार्ट टू पार्ट थ्री हम पास्ट में फ्यूचर में इसकी कॉन्जुकेशन सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हैं हमारे यू यू एल एल नो वो एल एल, ये सारे हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। इन सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ हमारी जो कॉन्जुकेशन होगी वो हमें याद करनी होगी। यू के साथ होगी हमारी एफ ए आई एस, क्यू के साथ भी होगी एफ ए आई एस, इल और एल दोनों के साथ होगी एफ ए आई टी एफ ए आई टी। अब बात करें तो प्लूरल वाले केसेस की तो नू के साथ होगी एफ ए आई एस ओ एन एस एफ ए आई एस ओ एन एस, वो के साथ होगी एफ ए आई टी ई एस एफ ए आई टी ई एस, इल एल प्लूरल वाले इल एल के साथ होगी एफ ओ एन टी एफ ओ एन टी। मैं इनको एक बार रीराइट कर देती हूँ। नू के साथ हमारी होगी एफ ए आई एस ओ एन एस, एंड वू के साथ हमारी होगी एफ ए आई टी ई एस। तो यो फे ट्यू फे इल फे एल फे नू फेजो वू फेट इल फो एल फो। यो फे का मतलब हो गया आई मेक या आई एम मेकिंग, और आई डू या आई एम डूइंग। ट्यू फे का मतलब यू आर डूइंग और यू आर मेकिंग। इल फे का मतलब ही इज़ डूइंग और ही इज़ मेकिंग। एल फे का मतलब शी इज़ मेकिंग और शी इज़ डूइंग। नू फेजू का मतलब वी आर डूइंग या वी आर मेकिंग। वू फेट का मतलब यू आर डूइंग, ये प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है एंड फॉर द फॉर्मल ऑल्सो वू। तो वू फेट का मतलब यू आर मेकिंग और यू आर डूइंग, प्लूरल के लिए भी एंड फॉर्मल के लिए भी। इल्फों का मतलब दे आर डूइंग और दे आर मेकिंग। एल्फों का मतलब दे आर डूइंग दे आर मेकिंग। दिस इज़ फॉर मैस्कुलिन एंड दिस फॉर फेमिनिन। सो ये है हमारी कॉन्जुकेशन। मैंने आपको इसका मतलब भी बता दिया एक एक करके यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम आते हैं इसके कुछ एक्सप्रेशंस पर। सबसे पहली चीज़ दैट जो हमारी फेयर वर्ब होती है वो सीज़न बताने के भी काम आती है, ठीक है। अगर हमें पूछना है, मतलब सीज़न भी नहीं, आई वुड से वेदर एंड सीज़न ऑल्सो अगर मैं कहूँ तो हम पूछें हाउ इज़ द वेदर। इंग्लिश में अगर हम पूछें हाउ इज़ द वेदर, तो हम वेदर के बारे में जब भी पूछेंगे तब हम इस वर्ब एत्र वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। वी विल यूज़ द फेयर वर्ब, फेयर वर्ब को हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी केल टॉम्प फेटील मीन्स हाउ इज़ द वेदर। केल टॉम्प फेटील मीन्स हाउ इज़ द वेदर। अगर हम इसका आंसर देना है तो हम कहेंगे इल फे, अगर बाहर गर्मी है इल फे शो, इल फे फ्रुआ, ऐसे ऐसे हम इसका आंसर देंगे, ठीक है।